प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दो साल बाद फिर खुले मक्का के दरवाजे, अभी तक 47,000 भारतीय हज करने पहुंचे। बाकी 11 जुलाई तक आराम करें महाराष्ट्र में, उनके लिए कोई काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले संजय राउत। उत्तर सरकार ने विकास कार्यों के लिए जारी किए करोड़ों रुपए, राज्यपाल ने मांगा स्पष्टीकरण। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक, अहम रणनीति पर बनी सहमति। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की छापेमारी, बंकर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने आजमगढ़ और रामपुर की जीत पर कहा कि सपा के आतंकवाद के कारण जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार में ही लाभ और विकास होगा। आगे उन्होंने कहा कि सपा के लोग दलदल में फंसे हुए हैं और अखिलेश यादव तो प्रचार भी नहीं करने गए और सोचा कि जीत जाएंगे, लेकिन अब जनता समझ गई है कि समाजवादी पार्टी केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूज एंड थ्रो का काम नहीं करती, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर ही कार्य कर रही है। इसलिए दूसरी बार यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। आज सहज से संबंधित हमने समस्त कार्यदायी संस्थाएं बुलाई थी मंडल की, जिसमें अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है, कासगंज है, मंडल में चार ही जनपद हैं, तो चारों जनपद के जितने भी कार्यदायी संस्था हैं, जो सहज का पैसा है, सहज के पैसे से हम मजदूरों के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक। जैसे अगर किसी की बेटी होती है तो हम 25,000 की FD बना के देते हैं, 18 साल बाद 1,00,000 रुपया हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग 1,00,000 रुपया और उसके शादी विवाह में खर्च करते हैं, जो सामूहिक विवाह में हम लोग करते हैं, उसके संदर्भित हमारे पास 6,000 करोड़ रुपया भी। हरदोई जिले के थाना सुजरस में ऑपरेशन के एवज में एक डॉक्टर द्वारा रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस दौरान डॉक्टर पर आरोप लगाया गया है कि एक लड़के के हाथ में फोड़े के ऑपरेशन के लिए बिचौलिए के माध्यम से इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने 6,000 रुपए रिश्वत ली, लेकिन कुछ देर बाद ही लड़के के परिजनों के मौके पर पहुंचकर दिए गए रुपयों को वापस लेने के लिए जमकर हंगामा किया गया, जिसकी सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल मौके पर पहुंची और रिश्वतखोरी को लेकर डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही पीड़ित को रुपए वापस करने के निर्देश भी दिए। सुनने में ये आया है कि चिकित्सक के पास मरीज खुद लेकर आया था, उसका कोई रिश्तेदार लेकर आया था कि उनको जल्दी इलाज थी, उसके हाथ सड़ रहा था तो वो चाहते थे कि अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए, शायद इसी नज़रिए से उन्होंने डॉक्टर को पैसे दे के अपना इलाज में प्राथमिकता चाही। हालांकि ये डॉक्टर की तरफ से गलत था कि उनके लिए सभी मरीज बराबर होने चाहिए थे, किसी मरीज को प्राथमिकता देना और किसी को जो पैसा दे दे उसे प्राथमिकता देना और जो ना दे उसको अनदेखा करना, ये गलत रवैया है, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को सचेत किया है। अगर बहुत ज़्यादा एक हद से पार हो जाएंगी ये बातें तो डॉक्टर को। बिजनौर के जीतपुर खरक में आज किसानों की महापंचायत होगी। आपको बता दें कि बिजली अफसर की पिटाई के मामले में किसान की हुई गिरफ्तारी के विरोध में आज ये महापंचायत होगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत किसानों को भी संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल और PAC को तैनात कर दिया गया है। पूरा मामला न्याय का है जी, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून का आधार न्याय है। जनपद का प्रशासन बिल्कुल न्याय में फेल हो चुका, इसलिए मजबूरी में जब यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आम जगह 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 पूरे जनपद में उत्पीड़न जिस तरीके से प्रशासन द्वारा करा जा रहा है,
उसी के लेकर आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ के। जो अन्यायपूर्ण प्रशासन है, जो न्याय की परिभाषा भूल चुका है, जो कानून महराइज में चिलवरिया चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न करने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों का आरोप है कि चिलवरिया चीनी मिल के महाप्रबंधक पी एन सिंह गरीब गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को बुआई के समय में खाद बीज खरीदने के लिए पैसा न होने से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, तो वहीं ज्ञापन में किसानों ने चीनी मिल द्वारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। डीएम पीएम सिंह के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, वो मनमानी तरीके से जो किसान उनसे मिला है वो 80% उनका भुगतान कर दिए हैं। गरीब किसान अगर उनसे मिलने जाता है तो अभद्रता से पेश आते हैं, उसको भगा देते हैं। कोई बीमार है या कोई अगर विधायक या सांसद का पद लेके जाता है उसको भी भगा देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग वही डीएम साहब से मांग कर रहे थे कम से कम किसान का एक एक पर्ची का भुगतान हो जाए, जिससे बुआई जोतानी में किसान को आसानी हो सके। सरकार की मंशा है कि किसान 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाए। फैक्ट्री 3 महीना चली है, केवल 11 दिन का पेमेंट हुआ है और चिलवरिया फैक्ट्री का कोई भुगतान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता शीतल वाड़ की गिरफ्तारी का विरोध किया है। वहीं छात्रों का कहना है कि जल्द ही सड़क पर उतर कर शीतल वाड़ की रिहाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे और कहा कि शीतल वाड़ का एएमयू से लगाव रहा है और कई बार एएमयू के कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। वहीं अब एएमयू छात्र तीस्ता शीतल वाड़ की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित है। जिन लोगों को साथ नाइंसाफी हुई है आज उनको गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि ये जो सरकार है, ये दमनकारी सरकार है, ये जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा ये उसके साथ यही ऐसा सलूक करेंगे जो तीस्ता शीतल वाड़ मैडम के साथ किया है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो कर रही है इतने अच्छे लोगों के साथ, ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये सरकार जो है सिर्फ दबाने का काम कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है। अगर वो नहीं डर रहे हैं तो मुस्लिम शिक्षिका को खंड शिक्षा अधिकारी को तिलक करना भारी पड़ गया। दरअसल पूरा मामला बीती 15 जून के जवा ब्लॉक का है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में सतीश मिश्रा ने ज्वाइन किया था, जबकि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार नए शिक्षा अधिकारी की ज्वाइनिंग के दौरान उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान वरिष्ठ शिक्षिका होने के नाते हेडमास्टर ताहिरा ने बीईओ का तिलक लगाकर स्वागत किया था, जिसका विरोध कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी शिक्षकों ने शुरू कर दिया और शिक्षिका को फोटो पर अभद्र टिप्पणी भी की। पूरा मामला तो वो जो है 6 जून का है और 6 जून को एक टीचर ने उस फोटो को ग्रुप पे डाला था। जब उस पर ग्रुप पे जब डाला गया तो मैंने कमेंट्स उस पर लिखा और वो मेरा संवैधानिक अधिकार था, वो मेरी पर्सनल राय थी, जो पर्सनल राय का मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है और वो जो मैंने कहा है मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ तो मैंने वो सही कहा। इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता किसी को, उसको इजाज़त तिलक लगाने की नहीं, वो धर्म के खिलाफ है, इसलिए मैंने उस पर कमेंट्स लिखा वो कि तिलक नहीं लगा सकते। और वो भी मेरा अपना कमेंट्स था जो मैंने लिखा कि मुझे बुरा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। वो सर फोटो एक हमारे नवीन शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे बीआरसी जवाब पे, उन्होंने चार्ज लिया था उस समय की बात है। तो वहाँ पे सर का स्वागत था तो मुझसे कहा गया, अकेली महिला मैं ही थी वहाँ पे, कि मैडम आप टीका कर दिए सर का, हमारे यहाँ परंपरा है कि टीका करके स्वागत किया जाता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक ही हैं, मैंने सर का टीका कर दिया। लेकिन वही एक फ़ोटो मोहम्मद अहमद है उर्दू टीचर, उन्हें कहीं से मिल गया या उन्होंने किसी ग्रुप से ले लिया, उस पर उन्होंने एक ख़राब सोच रखते हुए एक टिप्पणी की कि एक मुस्लिम टीचर एक हिंदू अधिकारी का इस तरह टीका कर रहे हैं, तो जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बात सही नहीं थी क्योंकि सबसे पहले मेरी अपनी सोच ये है कि हमें खबर बदायूं से।
से है जहां पर दातागंज कोतवाली पुलिस ने बरेली से चले ट्रक में 500 बोरी चीनी लेकर फरार हुए ट्रक ड्राइवर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 500 बोरी चीनी भी बरामद की है। आपको बता दें कि SSP बदायूं ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि एक ट्रक जो कि बरेली से चीनी लेकर चला था, जिसकी लोकेशन ट्रक मालिक ने बदायूं में बताई थी, फिलहाल पुलिस ने दातागंज से ट्रक को बरामद कर लिया है, लेकिन ट्रक के अंदर रखी कई और किलो चीनी गायब है। दातागंज में 26 जून को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक को उसके माल के साथ कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। इसमें ओनर की सूचना पे दातागंज में अभियोग पंजीकृत किया गया और 12 घंटे के भीतर ही इस अपराध का खुलासा किया गया और इसके जो अभियुक्त थे 7 अभियुक्त, 6 अभियुक्त इनकी। अलीगढ़ में क्वारसी थाना इलाके के देव सैनिक गांव में 2 पड़ोसियों के बीच नाली के विवाद के चलते जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही पथराव भी किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वारसी के देवसैनी गांव की 2 पड़ोसियों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में झगड़े की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है, मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तो पाया गया कि वहां पर 1-2 परिवार हैं जिनके बीच में लगभग 2 साल पहले भी आपस में मुकदमेबाजी हुई थी और आज फिर इनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इसमें जो घायल पक्ष है, इससे रवि के द्वारा तहरीर दी गई है कि जो इसके पड़ोसी हैं एवल सिंह एवं इसके 4 लड़के व 2 अन्य, इनके द्वारा आज इनके घर में योजनाबद्ध तरीके से आकर के मारपिटाई की गई है और डंडा फड़सा आदि से जो है इन पर हमला किया गया, जिसमें इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है तथा माँ गंभीर रूप से अस्पताल में जो भर्ती हुई है उसकी भी मृत्यु हो गई है तथा इसके भाई बहन घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल वहाँ पर टीमें लगा दी गई। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार हर घर में मुफ्त अनाज पहुंचा रही है, तो वहीं बिचौली और कोचेदार गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहे हैं। तो वहीं ताजा मामला गोंडा के इटिया थोक ब्लॉक क्षेत्र के गजाधर पुरवा से सामने आया है, जहां पर प्रति यूनिट 1-2 किलो की कटौती पर गरीबों को अनाज तौल कर दिया जा रहा है और कार्ड धारक बिना कोई शिकायत ये जो राशन मिल रहा है उसी से अपना गुजर बसर करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गजाधर पूर्व ग्राम पंचायत में असली कोटेदार के नाम पर जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं वो कोटा चला रहे हैं और असली कोटेदार हैं तो सिर्फ काट के उल्लू की तरह काम कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, अगर हमें घाटोले की शिकायत मिलती है तो जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अभी तक तो शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी, हमारे पास कोई लिखित या उस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि वहाँ पे घटतौली की जा रही है, खाद्यान्न कार्डधारकों को कम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई घटना है तो उसकी जांच कराई जाएगी और कोई जो दोषी होगा उसके। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने मौके से 2 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 ट्रक में भरी खैर की कीमत लकड़ी बरामद की है, जो कि तस्करी करने पड़ोसी राज्य हरियाणा ले जाई जा रही थी। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए तस्करों में से एक पुराना अपराधी भी शामिल था, जो आसपास के प्रदेश में पहले भी कई बार लकड़ी की तस्करी कर चुका है। तो वहीं इस पर इनके पास से जो लकड़ी बरामद हुई है उनकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। हमारी टीम जो मिस्त्री है यहाँ पर, इसके प्रभारी हमारे श्री पुष्पेंद्र जी हैं, तो इनके नेतृत्व में अभियान अभी चलाया जा रहा है। जो भी अवैध लकड़ी यहाँ से पास ऑन होती है या किसी पर कागज़ की कुछ कमी रहती है तो उनको हम जो है धरपकड़ के लिए अभियान चलाए हुए हैं। इसमें आज सुबह की बात है कि हम लोगों ने एक खैर से लदा हुआ ट्रक हम लोगों ने पकड़ा है, जो कि यहाँ से
हरियाणा की तरफ जा रहा था, सोनीपत में जाने का उसका ठिकाना बताया गया है। तो उसमें सोनू है, सन ऑफ योगराज, ये हरियाणा का निवासी है। तो ये बेसिकली इस काम सुल्तानपुर में जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के कोइलहा गांव में बेखौफ बदमाशों ने बीती रात जमकर कहर बरपाया। सेवानिवृत्त सैनिक के घर में घुसे बदमाशों ने पहले तो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद लूटपाट का विरोध कर रहे रिटायर फौजी को बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिनके बाद परिवार में शोर मचने पर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए और मौके पर पहुंचे तो बदमाश फरार हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल फौजी को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना हुई करीब 11:30 बजे रात में, जब इनको मतलब हुआ तो थोड़ा खटपट हुआ, तो ये उठ के निकल के थोड़ा से बाउंड्री किनारे गए। जब किनारे देखे थे दो थे वहाँ, एक को ये पकड़ लिए, जब ये पकड़ लिए तो तुरंत फायर किया इनके ऊपर, लेकिन ये पूरी इधर कर लिए। उसके बाद दूसरा जो था साइड में वो तुरंत इनको मारा, उसके बाद जब इनको मारा तो छूट गए, उसको छोड़ गए, अपना पकड़ लिए। पकड़ने के बाद फिर उसके बाद भाई अब टोल गुल हुआ। अलीगढ़ थाना कुआरसी क्षेत्र के महेशपुर तिराहे में एक तेज रफ्तार जंपर ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं से पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अयोध्या जनपद में हत्याओं का सिलसिला जारी है। थाना कुमारगंज और थाना हैदरगंज के कोतवाली नगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इनके दिन से अभी 3-4 दिन पहले इनके झगड़ा हुआ था, इनके जो छोटे भाई भी पहले भी हो चुका है। एक बार छोटे भाई ने इनके मारा था तो उसका सर फट गया था, रात से मार दिया था निक्की सिंह भाई गब्बर ने, फिर उसी बात पे जो है उनके औरैया से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गाय को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई और कार में सवार एक की मौत हो गई जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या हादसा हुआ, कौन है ये आपके? सर दीदी है हमारी, गाड़ी से जा रही थी अपने ससुराल। क्या क्या नाम है इनका? साधना गुप्ता। कहाँ है ससुराल इनके? कुर्रा रामपुरा। क्या एक्सपायर हो गई दीदी? हाँ सर एक्सपायर हो गई। किससे जा रही थी, किस गाड़ी से जा रही थी? एसयूवी थी सर, गाड़ी पलट गई सर। गाड़ी पलट गई, ये बच्चा घायल। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।